हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू न्यू गेम प्ले वीडियो। तो दोस्तों, आज हम खेल रहे हैं फार्मिंग सिमुलेटर 60 और इसके अंदर हम बनाएंगे अपने हे बेल्स जो ग्रास से बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी हे बेल्स बनाना। तो ये अपना ट्रैक्टर और इसके पीछे अपना अटैच है मोवर, इससे हम अपनी सभी ग्रास को वो कटिंग कर देते हैं एक बार। तो अपना ट्रैक्टर है वो ग्रास को कटिंग कर रहा है जल्दी जल्दी। दो राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, थर्ड राउंड अपना लगा रहा है ट्रैक्टर्स। ये अपना ट्रैक्टर्स न्यू हॉलैंड ब्लू कलर में, इसके पीछे वो काफ़ी बड़ा है, वो मोवर है जो जल्दी जल्दी है वो ग्रास को कटिंग कर देगा। तो अपना आ चुका है अभी फाइनल राउंड, इसके बाद अपनी है वो ग्रास कटिंग कम्प्लीट हो जाएगी। तो हो चुकी है ग्रास कम्प्लीट, करते अपने ट्रैक्टर्स को अलग और अब लाएंगे हम एक और मशीन जिससे अपने वो ग्रास को सुखाना पड़ेगा। तो ये अपनी सेकंड मशीन और ये अपना लेम्बोर्गिनी ट्रैक्टर वाइट ट्रैक्टर, और ये है वो इसके पीछे मशीन है जो अपने ग्रास को वो सुखा रही है। अगर हम अपने ग्रास को सुखाएंगे नहीं तो इससे वो हे बेल्स नहीं बनेगी। तो हमें पहले अपने ग्रास को सुखाना पड़ता है। तो अपना वो ट्रैक्टर सब वो काम पर लगा हुआ है और अपना काम है वो हो रहा है जल्दी जल्दी से। दो राउंड कंप्लीट कर दिए अपने ट्रैक्टर्स ने और ये देखो ग्रास है वो सूखने के बाद अब कैसी हो जाती है। और ये अपनी मशीन हे बेल बनाने वाली, तो इसको चलाते हैं, ग्रास सूख चुका है, इसको करते हैं ऑन। ऑटो पायलट पर होने के बाद है वो अपने आप वो अपना काम है वो कंप्लीट कर देगी। तो ये मशीन जिससे हम बनाएंगे हे बेल्स, तो एक राउंड तो इसने लगा दिया और अपना वो हे बेल्स बन चुकी है 50%। तो ये वो देखो इसके पीछे वो हे बेल्स आ रही है और कंप्लीट होने के बाद है वो अपने आप वो नीचे गिर जाएगी और इसको हम बाद में कर लेंगे कलेक्ट और हे बेल्स है वो डालेंगे अपने एनिमल्स के आगे। तो एनिमल्स के आगे डालने पर हमें मिलेगा बाद के अंदर मिल्क, और काऊ से मिल्क मिलेगा और इसके अंदर वो शिप है, शिप के आगे डालेंगे तो उनसे हमें वो मिलेगी ऊंस। तो अपना है वो ग्रास सुखाने का काम कम्प्लीट हो चुका है, अभी अपना रहा है सिर्फ ग्रास बेल बनाने का। तो है वो कुछ अपनी हे बेल्स तो बन चुकी है, अपना है वो ट्रैक्टर्स काम पर लगा हुआ है। ये देखो इसके पीछे वो हे बेल्स है जो है वो 100% होने के बाद है वो अपने आप वो नीचे गिर जाती है हे बेल्स। ये अपना जेसीबी ट्रैक्टर्स और इसके पीछे है वो हे बेल्स बनाने वाली है वो मशीन जो न्यू हॉलैंड्स की है। तो है वो अभी है वो कुछ हे बेल्स तो बन चुकी है। तो अभी हो चुकी है नाइट्स, अपनी वो लाइटिंग वगैरह जल चुकी है और इस मशीन के पीछे भी एक लाइट है हे बेल बनाने वाले के जो जल रही है। तो नाइट्स के अंदर भी अपना काम चालू है और नज़ारा है वो काफ़ी खूबसूरत है। और ये है वो एक ट्रेलर जिससे हम अपनी हे बेल्स को करते हैं कलेक्ट। तो हम इसको पहुंचाते हैं अपने फील्ड्स के अंदर जहाँ से इस एक ट्रैक्टर के पीछे इसको अटैच करेंगे और अपनी हे बेल्स को कर लेंगे हम कलेक्ट एक एक कर। तो इसको हटा दिया है और देखते हैं कोई ट्रैक्टर जिसके पीछे अपनी मशीन को कलेक्ट करते हैं। इस ट्रैक्टर्स के पीछे करेंगे मोवर को हटा देते हैं, इसके पीछे करते हैं अटैच और करते हैं अपनी हे बेल्स को कलेक्ट। तो ये देखो अपनी वो कलेक्ट हो रही है, ऐसे होती है इसके अंदर कलेक्ट। इस ट्रैक्टर्स को है वो हे बेल्स के पास पहुंचा देते हैं और अपने आप है वो कलेक्ट कर लेती है ये मशीन। अभी है वो 25% अपनी हे बेल्स है वो इसके अंदर लोड हो चुकी है जो है वो अपने आप इसके अंदर लोड हो जाती है और अपने आप इसके अंदर एडजस्ट हो जाती है। जैसे ही हे बेल्स आती है तो ये एक के ऊपर एक
चली जाती है और अपने आप है वो पीछे होती जाती है, ताकि आगे वाली है बेल से वो इसके अंदर आ चुके। तो अभी हो चुकी है अपनी कलेक्ट 75%। तो अभी हो चुकी है अपनी कंप्लीट 100% और इनको पहुँचाते हैं हम काउ सेड्स के अंदर। ये अपनी काउ है तो इनके आगे हम डालेंगे अपनी हेबेल्स को, ये खाएंगी, इससे हमें वो मिलेगा मिल्क और मिलेगी अपनी फर्टिलाइज़र भी। तो ये देखो अपने आप है वो अनलोड हो जाती है और अपने सेड्स के अंदर चली जाती है हेबेल्स। तो हमने पहुँचा दी अपनी हेबेल्स को, बाकी की हेबेल्स को कर लेंगे कलेक्ट। तो अपनी हो चुकी है कंप्लीट कलेक्ट और अब की बार डालेंगे हम इनको शिप सेड के अंदर। यहाँ पर भी हो चुकी है अपनी अनलोडिंग फिनिश, तो अपना काम है वो हो चुका है गाइस कंप्लीट। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बता देना। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।